दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वालों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती है, लेकिन जो धर्म कर्म से दूर अधर्म के रास्ते पर चलते हैं उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल होती है। और ये सब देखकर कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, लेकिन आज के समय के लोग इस रहस्य के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है धर्म ग्रंथों को सही से नहीं पढ़ना या फिर उनमें लिखी बातों पर यकीन नहीं करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। इस बात का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में विस्तार से किया है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार में बताया गया है। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे कहा कि हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है जिसका समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपने मन की दुविधा को विस्तार से बताओ, तभी मैं उसका हल बता पाऊंगा। तब अर्जुन कहते हैं कि हे नारायण, कृपा करके मुझे ये बताएं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोग हमेशा ही खुशहाल दिखाई पड़ते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वास्तव में वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वो सच्चाई को समझ नहीं पाता है। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले कि हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा और जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे फल की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि किस राह पर व्यक्ति चलना चाहता है, ये व्यक्ति की इच्छा पर ही निर्भर करता है। फिर कथा को प्रारंभ करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था जो धर्म और नीति के सिद्धांतों पर चलता था। वो व्यक्ति पूजा पाठ और भगवान की भक्ति पर विश्वास रखता था। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोजाना ही मंदिर जाता था और दान धर्म के कार्यों में भी आगे रहता था। वो व्यक्ति अपने अच्छे बुरे समय में रोजाना भगवान की पूजा अर्चना करता था। वही दूसरी ओर उस नगर का दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति से बिल्कुल विपरीत था, जो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल और धन चुराने के उद्देश्य से मंदिर जाता था। उसे दान धर्म और नीति से कुछ भी लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोरदार बारिश होने लगी। इस कारण उस दिन मंदिर में पंडित के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। ये बात जब उस दुष्ट व्यक्ति को पता चली तो उसके मन में विचार आया कि अभी सही मौका है इस मंदिर से धन चुराने का, और वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारा धन और जेवरात आदि चुरा लिए, बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला अच्छा व्यक्ति वहां पहुंच गया और भगवान के दर्शन करने लगा, परंतु दुर्भाग्य से उस मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। पंडित जी का शोर सुनकर मंदिर में भीड़ जमा होने लगी और सभी लोग उस भले व्यापारी को चोर समझकर उसे अपमानित करने लगे। ये देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या और क्यों हो रहा है। फिर वो व्यक्ति जैसे तैसे लोगों से बचकर उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद वो व्यक्ति लंगड़ाते हुए अपने घर की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था।
वो व्यक्ति घूमता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ वो भी इतना सारा धन प्राप्त हो गया। जब भले व्यक्ति ने उस दुष्ट व्यक्ति की यह बात सुनी तो उसे बेहद हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो और मूर्तियों को निकाल फेंका और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के बाद उन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। जब उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखा तो क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म और सभी धार्मिक रीति रिवाजों पर विश्वास रखता था, जिसके बदले में मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला है, और इस अधर्मी पापी व्यक्ति को धन दौलत प्राप्त हुई, आखिर ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी से कहा कि हे पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट लगने से हुई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में अगर जानना चाहते हो तो इसके भाग्य में राजयोग लिखा था, जो इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण ही छोटी सी धन की पोटली में ही परिवर्तित हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि हे पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य के समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो भगवान की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिलता है, बस आपको पता नहीं चल पाता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या फिर बुरा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही पुरानी कथाओं और भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।